उत्तराखंड के बद्रीनाथ राजमार्ग पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक कार अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे चालक समेत दो लोग की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलते ही आनन-फानन में स्थानीय लोग और पुलिस ने रेस्क्यू कर घायलों को 108 के माध्यम से उपचार के लिए ऋषिकेश एम्स पहुंचाया, जहां डॉक्टरों द्वारा घायलों का इलाज किया जा रहा है। क्या कब हुई ये घटना, कितने बजे की? ये लगभग 3:30 बजे के लगभग की है, और हम लोगों को सूचना मिली 112 के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम के द्वारा, तो हम लोग यहाँ पर तुरंत मौके पर आए। गाड़ी काफ़ी नीचे गई है और जिसमें 4 सवार थे, जिनमें 2 की तो मौके पर डेथ हो गई है और 2 को हमने घायलों को पहले निकाला गया और उनको उपचार हेतु 108 के माध्यम से एम्स भेज दिया गया है, और बाकी हमारे रेस्क्यू चल रहा है, सभी को डेड बॉडी को भी निकाल दिया गया है। तो इनका भी नाम कुछ पता चले? नाम जानकारी के अनुसार ये सभी लोग कल श्रीनगर गए थे, आज वापस हरिद्वार जा रहे थे, तभी कैडियाला से 2 किलोमीटर पहले गाड़ी अनियंत्रित होकर रोड से लगभग 100 मीटर नीचे गहरी खाई में गिर गई, जिसमें चालक प्रदीप कुमार निवासी ज्वालापुर हरिद्वार और सरल निवासी टिबडी हरिद्वार की मौके पर मृत्यु हो गई, जबकि ओम प्रकाश निवासी ज्वालापुर हरिद्वार, जतिन निवासी ज्वालापुर हरिद्वार का रहने वाला है, फिलहाल घायल को उपचार के लिए ऋषिकेश एम्स अस्पताल में भर्ती करा दिया है और पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए पौड़ी गढ़वाल से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।